लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। मंजिल मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में देखे सपने हजार। दूर तक जाऊंगा इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं, भूल इसे ना पाऊंगा। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज, साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को, आज आज बहलाऊंगा इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं, भूल इसे ना पाऊंगा। कितना सुहाना सा है अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है। आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा। इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा मैं, भूल इसे ना आश्विका और मेरी बॉन्डिंग हुई, मुझे बोलने भी देगा। उसके बाद मेनली आश्विका और मेरी बॉन्डिंग हुई, उसके बाद क्योंकि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी पहले पब्लिक हुई थी, तो आश्विका ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। रुक जाओ यार, हाँ हाँ डाल दो मेरे मुंह पे। ठीक है, तो क्योंकि आज तो चुप रहे यार, अरे ये क्योंकि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी पब्लिक हो गई थी, तो याश्विका ने मुझे एक्चुअली ये सब पूछा कि ये सब सेफ है क्या करना, इसमें कोई इशू होगा क्या, या तुम लोगों ने कुछ इश्यूज फेस किए थे क्या वगैरह वगैरह, तो ये सब हुआ था। तो मैंने बोला बिल्कुल बिंदास गो अहेड विथ योर सेरेमनी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और दिक्कत होगी भी तो देख लेंगे। और पहले ही आगे वाली पुलिस का बता दो, मतलब जो भी एरिया का पुलिस है उनको इन्फॉर्म कर दो कि ऐसा ऐसा होने वाला है, एंड यू विल बी सेफ, बिकॉज लीगली देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग अ सेरेमनी, भले ही मैरिज सर्टिफिकेट है नहीं है। उसके बाद इसने मुझे क्लियरली बोला कि पायल है जो, मतलब शी इज़ वेरी शाय, तो वो मिलने के बाद ही फ्री होगी, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि मिलने के बाद ही वो एकदम इतनी क्यूट है। तेरी भी तारीफ करती मैंने, तेरी कोई मारो इसे, कोई मारो इसे। एनीवे सो कंक्लूडिंग दिस, हमारा इंदौर एक बॉन्ड लिटरली फैमिली जैसा बन चुका है,
और मेरे शादी के टाइम पे ये दोनों मैनेजरियल इसमें रहने वाले हैं, दैट्स डन। हमें पता है हमने क्या, फ्रेम ही गलत बन रही है। कैसा रहा सारा वेडिंग का? उनसे पूछो, यही ज्यादा बोल रहे हैं। हमने हीरा था, हमने हमारा हीरा दे दिया, हम प्लैटिनम बना, हम प्लैटिनम बना देंगे। ये बीच के इनके ट्रस्ट मत करो, ये पता नहीं किसको हीरा बोल रहे हैं। नहीं बिना डायमंड के प्लैटिनम कोई काम का नहीं यार। पहले इनको डिफरेंस बता दो प्लैटिनम और डायमंड का। मुझे बता दिया लड़की वाले, बोल दो यार क्या बोलना है, क्या बोलना है शादी के बारे में? अरे कुछ नहीं, चुप हो, सुनो सुनो, मनी कैसे रही, कैसा लगा यहाँ पे वो सब। इधर भी पैसे खिलाए हुए, खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब बंदे अपने ही हैं। अब आपकी बारी। एग्जैक्टली चुप और नहीं होएगी। सच में आगे बोल रहा, मेरा मत डालना, वो पब्लिक नहीं होना। मैं अगर सच बताऊँ ना तो मैं हर मिनट में ये फील करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रियल में ब्राइड बनी हुई हूँ आज, और फाइनली इतने लंबे स्ट्रगल के बाद हमारी शादी हो रही है, लेकिन मुझे लगी नहीं रहा शादी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी कोई ड्रीम चल रहा है यार। मैं इनको भी बोल रही थी कि मुझे या तो चूटी काट लो या कुछ तो बताओ कि ड्रीम नहीं चल रहा है। फील नहीं हुआ यार, ये फील हुआ है बट ऐसा ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि सच में, मतलब यहाँ पे ये चीज नहीं, बट दिस जर्नी इज ऑलवेज अ ड्रीम कम ट्रू। पनीर चाहिए, पनीर हो रही है, हो रही है शादी हमारी, हो रही है, हो गई, वो आती हुई है, भी ना आती हुई है, अभी होने बाकी है। सागर मुझसे पूछने से बेहतर यहाँ पे पूछते तो थोड़ा बहुत इस बंदे ये तो कुछ बोलती नहीं है। ये इसने आकाश ने बताया, इसने एंट्री में बोला था आई लव हर, so much, so much, I love her so much, 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 अरे how was your experience regarding the ceremony yesterday? है ना, हाँ वो तो बड़ी आंखों में नमी क्यों है, वो खुशी के आंसू है। दूर से पूछ रहे हो तुम्हें तो किस चीज का, भाई कोई मारो मुझे, मार मारो मारो मैं चीजें तोड़ती हूँ लोगों को नहीं, तोड़ो थैंक यू, अबे चीज ही समझ के कर लो। ऐसा नहीं यार, इंसान को चीज बोल दिया है गलत बात है, बड़ी दुख हो रही है। लेटस कॉन्सेंट्रेट ऑन द पायल यार, अब तो हाथों के ऑन द दूल्हा, उसको रोते हुए देख के, ये देख मैं तो माइक पे कर रही थी, ऐसे से कर रही थी, कैसे कैसे कर रही थी, ऐसे से आंसू पोंछ रही थी, किसके हमें लग कुछ नहीं कर रही थी ज्यादा। इस मिला के साथ कैसा रहा, बहुत ज्यादा इस शादी के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं बोलेंगे वैसे इसके साथ अभी अभी धोखा हुआ है, तीन पत्ती बोल के किसी ने खिलाया नहीं है, वे सदमे में है। भैया मेरा सारा खाना शूट करोगे आप? आवाज नहीं आ रही मुझे आपका, तो जोर से बोलो जय माता, जय माता, अगले वाले जय माता, पिछले वाले जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी, मां नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया, मुझे नहीं सुने, मुझे पूछना पड़ेगा ना, फिर से बोलो, मैं नहीं सुन, ए ए गावरानी गाय के बारे में एक बार बोलना है, शादी के बारे में, शादी के बारे में, मेरा भाई की बहन,
देखो ये जो भाई और एक बहन है ना, ये बेचारे बहुत डिप्रेशन में थे शादी से पहले कि मेरी शादी में बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, और पता आया क्या, धूप जलाने वाली धूप। ये मतलब वहाँ लिटरली बैठ के गणेश जी के आगे पूजा कर रहे हैं, भगवान कह रहे पसीने छुड़वा। अरे लिटरली मैं इसको बोल रही हूँ कि अरे यार अगर बारिश आ भी गई तो शादी के टाइम में बारिश शुभ होती है, ठीक है। फिर भी और बारिश आ रही थी, और इन्होंने इतना नहीं बोला, हमारे को बारिश आ रही थी। अरे ये कहो ना, जैसे कोई तो गाइस ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया गाइस, मेरी बारिश हो रही है, अब मैं क्या करूं। नेट तो बुरा लग रहा है, सुनो पहले किसी दिन हमें पता लगा कि लोनावला क्या हो गया इसे, बाबू लेजर करा है, डुगू देखो ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, इतनी टाइट कैसे हो गई, रेड बुल ही होती है। तो गाइस जब हमें पता लगा कि हम लोनावला में शादी करने वाले हैं, और हमने बड़ा अक्टूबर का मंथ इसलिए चूज किया कि मतलब सुनो हैवी डेट्स ना मिले हमें, और बहुत ज्यादा शादियां ना हो, और उस टाइम पे कोई पंगा ना बढ़े, हमारी शादी अच्छे से निपट जाए, और सेकंड करवा चौथ का फास्ट कर पाऊँ मैं, क्योंकि 13 अक्टूबर को है, फर्स्ट तो मैंने कर लिया। सो हमारा ये था, लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आते गए, दिल्ली में आके हम बस गए 1.5 महीना, उसके बाद हमें एक दिन पता चला लोनावला में बहुत बारिश हो रही है, बहुत गंदी वाली, अब हम टेंशन में आ गए, क्योंकि हमें तो वो ठंडी बर्फ़ के साथ एंट्री करानी थी धुएँ वाली, इनको ढोल के साथ आ रहा था नाचते हुए, तो हम बड़ी टेंशन में चले गए। अब उस रात ना हमें दूसरे कुछ कह नहीं रहे कि यार कैसे होगा, मैं उनको बोल रही हूँ, वो कह रही है ठीक है सब हो जाएगा कोई बात नहीं। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया, बापू सर सो जाते हैं, फिर टर्न हो के क्या देख रहा है, लोनावला का फोरकास्ट अगले कब कब बारिश है, अच्छा सूरज है, अच्छा रे हैवी रेनफॉल, सारी डेट्स में बारिश है। इधर से निकल के आया कि बारिश को रोकने के लिए अलग अलग राग होते हैं, उनका अलग अलग गायन का समय होता है। बहुत ही सारी सिचुएशंस थी, उस सिचुएशन से निकल के यहाँ तक आए, तभी विश्वास नहीं हो पा रहा कि आज ये दिन फाइनली आ गया। रात के 2 बजे लिटरली मैं बैठ के सर्च कि कौन सा राग होता है जो बारिश रोकने में सबके पास फोन इधर से देख रहे हैं। अच्छा अरे प्राउड फील हो रहा होगा आज, अरे मेरे शादी करवा दी, भले से कल 4 घंटे लाइट गायब थी, कोई बात नहीं। नहीं बट एक्चुअली इकबाल जी ने कोशिश की बहुत बेस्ट देने की, थैंक्स टू यू, क्योंकि मैंने वो चीज देखी आपके साथ जब मैंने काम करवाया यहाँ पे, कुछ चीज गड़बड़ हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी कुछ, उन्होंने उसको रेक्टिफाई कराया, खुद से बोला कि नहीं यार ये करा दिया है, हां उन्होंने कराया, रेड बुल की। अच्छा अब मेरा वैसे ये था कि हम सब तो बता ही चुके हैं, तो फाइव क्यों ना इकबाल जी से पूछा था कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वेडिंग के साथ, क्या चल रहा था आपके दिमाग में, हम लोगों ने भी काफी एंजॉय किया, अपनी टीम ने भी एंजॉय किया, फीडबैक भी अच्छा मिला, क्लाइंट के लोगों के सब बोले ना कि ज्यादा कंप्लेन है ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्वागत है, और माने ना माने इनका पोर्टफोलियो भी अच्छा बनेगा, अभी अब लगाएंगे ना पोर्टफोलियो काम आने वाला है, हमारे सजेशंस काम आएंगे। हाँ वो तो होता है, और कुछ वैसे मैं और कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे। अच्छा आप या, हम दोनों के बारे में कुछ बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत दिल से, थैंक यू। बस मुंबई के आगे नहीं जाएंगे, लोनावला तक ही आना, अब जहाँ तक चलो गाइस खड़े हो, ये जैसे स्टाइल से खोला था वैसे ही खोल लेगा, मुझे तो धीरे धीरे लग रहा है देंगे कि नहीं देंगे।
ले जाओ, दोनों ही ले जाओ, आज मजा ही कुछ हो रहा है, दोनों ले जाएगा।